हे गाइस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने इंडिया को इनवाइट किया है अपने यहाँ G7 की समिट पर, जबकि इंडिया G7 का पार्ट भी नहीं। तो भाई G7 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस इनविटेशन की वजह से। तो आइए G7 के बारे में कुछ जानते हैं। 1975 में बना G7 छह कंट्रीज के साथ, जिसमें अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली के साथ साथ UK थे, जो कि बड़े इंडस्ट्रियल नेशन थे उस टाइम के। इसके बाद एक साल बाद 1976 में इसमें कनाडा आके ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम G7 पड़ा। G7 का जो मेन काम है वो है फाइनेंशियल डिस्कशन, बट उसके साथ साथ ये टेररिज्म, ड्रग मार्केटिंग, आर्म्स कंट्रोल जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बाद सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स में इसका दूसरे नंबर पर रैंक इसकी आती है। तो भाई G7 जो है वो ग्रुप ऑफ 7 है, इसी की तरह एक बना हुआ है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 में इंडिया एक पार्टी है, और ये G7 की जो सारी कंट्रीज हैं ये भी G20 की पार्टी हैं रशिया के साथ, जब वो G8 था। तो गाइस, रशिया जब ऐड हुआ 1998 में G7 में, तो उसका नाम G8 पड़ गया था, लेकिन 2014 में क्रीमिया इशू की वजह से रशिया को बाहर निकाल दिया गया और फिर से इस ग्रुप का नाम G7 पड़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही करते रहिए। स्टडी प्रत्यूष, थैंक यू सो मच फॉर